हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पुद्दार। दिस सेट डिस्कसेस रूल द रूलिंग्स फॉर रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स यूज। नाउ लुक एट दिस सेट। ये है पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम 1999। पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम 1999। तो इसमें ये बात सोचने की है कि ये रूलिंग्स बनते ही क्यों हैं। इस तरह का रूलिंग्स इसलिए बनाया जाता है, पेश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है इसका एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर इल इफेक्ट पड़ता है, और वो जब गंभीर रूप ले लेता है तब रूलिंग्स लाना अनिवार्य हो जाता है। आइए देखते हैं 1999 में क्या बनाया गया था। तो ये पहला पॉइंट है, पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम 1999। केंद्र शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 के अंतर्गत बनाया गया था। ये याद रखना होगा कि ये 99 का रूलिंग्स पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत बनाया गया था, ये क्वेश्चन बन जाएगा। धारा 25 होगा, ये सेंटर के द्वारा लाया गया था ये नियम। ये नियम 2 सितंबर 1999 को गजट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट होता है, आधिकारिक गजट, उसमें प्रकाशित किया गया था, और प्रकाशित होकर ये फिर इम्प्लीमेंट हुआ 2 सितंबर 1999 को। अब आइए इसमें नियम क्या क्या बनाए गए हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें नियम ये है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये 99 रूलिंग्स का, ये SPCB को इसके लिए अधिकृत किया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु, इसके इम्प्लीमेंटेशन हेतु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को अधिकृत किया गया है, ऑथराइज्ड किया गया है। ये एक पॉइंट है, याद रखने योग्य। अब है क्या कि नेक्स्ट पॉइंट में पॉलीथीन के कैरी बैग्स की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी पॉइंट नोट करने लायक है, न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं, ये सब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्चक्रित अथवा अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग्स, ये रिसाइकिल्ड या जो पहले यूज हो चुका है उस प्लास्टिक से बनाया गया जो कैरी बैग्स है उसका साइज क्या होना चाहिए। ये देखिए, 8 इंच गुना 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा इसका साइज। और इस प्रकार के 50 कैरी बैग्स का न्यूनतम भार 150+5 ग्राम होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लें, ये सारे पॉइंट नोट करने लायक, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग्स या पात्रों को खाद्य सामग्री रखने, भरकर ले जाने, प्रदाय करने या पैकेजिंग करने में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से जो कैरी बैग्स बनता है या जो भी बर्तन बनता है उसमें क्या क्या नहीं यूज़ करना चाहिए वो क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें खाद्य सामग्री नहीं रखना है, उसको खाद्य सामग्री भर कर नहीं ले जाना है, या फिर खाद्य सामग्री को उसमें पैकेज नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। तो ये सब याद रखिएगा। प्लास्टिक से बने कैरी बैगों पात्रों का उपयोग यदि खाद्य सामग्री के संग्रहण या पैकेजिंग आदि में किया जाना है, तो यदि ये सब करना है, खाद्य सामग्री को पैक करना है या फिर उसमें कलेक्ट करके रखना है, तो इसे अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से प्राकृतिक रंग में तैयार किया जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये सब भी क्वेश्चन बनेगा। अगर खाद्य सामग्री उसमें ले जाएंगे, रखेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से प्राकृतिक रंग में तैयार किया जाना चाहिए, और इसके लिए एक BIS का स्टैंडर्ड चलता है, उसके अनुरूप ही होना चाहिए। ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है BIS, इसका ये एक प्रावधान है IS 9833/1981। इसके प्रावधान के तहत ही ये सब काम होना चाहिए, और इसका जो प्रावधान है IS 9833
9833 1981 का, वो उसका पालन करना अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, IS 9833 1981, ये इनके प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण IS 14534 1988 के अंतर्गत उल्लेखित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो IS 14534 जो है ये 1988 का रूल, ये है मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसके अनुसार ही प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। और पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित वस्तु या अंतिम उत्पाद को क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रित शब्द से अंकित करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। पुनर्चक्रित लिखा हुआ रहता है पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित वस्तु में, ये कहा गया था IS 14534 1988 में का जो गाइडिंग प्रिंसिपल था BIS का, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि पुनर्चक्रित शब्द उसमें अंकित कीजिए। और फिर साथ ही साथ क्या कहा गया था, इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त जो पुनर्चक्रित प्लास्टिक का परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो भी उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों पॉइंट याद करने योग्य हैं कि पुनर्चक्रित शब्द का अंकित करना और पुनर्चक्रित प्लास्टिक का प्रतिशत का उल्लेख करना, ये BIS के किस गाइडिंग प्रिंसिपल से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। IS वही 14534 1988 को। तो नेक्स्ट है क्या कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग यानी यूज, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निपटान के क्रियान्वयन हेतु कौन कौन जिम उत्तरदायी होंगे। ये तीन लोग उत्तरदायी होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला का उपायुक्त यानी DDC और CEO यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी। तो ये सब भी याद करने योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियम का पालन करने की स्थिति में उल्लंघन करने वाले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जा सकेगा, पनिशमेंट भी है इसमें। और इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट के समुचित प्रबंधन के महत्व को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि इससे संबंधित सभी पक्षों के मध्य समुचित सामंजस्य स्थापित किया जाए। ऐसा क्यों किया, करने को बोला गया सामंजस्य स्थापित करने को सारे पक्षों के बीच, क्योंकि PW का सही तरीके से निपटान सुनिश्चित हो पाएगा और नियम का सही क्रियान्वयन हो सकेगा। तो ये था सेट नंबर 24, आप इसको पढ़ें देखें, इसमें चार पांच क्वेश्चन तो बनेगा ही। और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।